पाकिस्तान रेलवेज ने 6 माह के दौरान बगैर टिकट के मुसाफिरों से 79 मिलियन रुपए से ज़ायद की रकम वसूल की। वजारत के ज़राए ने APP को बताया कि तकरीबन 95,143 मुसाफिर मुख्तलिफ ट्रेनों में बगैर टिकट के सफर करते हुए पाए गए और इनसे मस्कूरा रकम वसूल की गई, जो महकमा के सरकारी बैंक अकाउंट में जमा कराई गई है। ये पहला मौका नहीं है कि बगैर टिकट वाले मुसाफिरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। इस किस्म के क्रैक डाउन रोजाना होते हैं। बगैर टिकट सफर करना गैर कानूनी है और जो लोग बगैर टिकट पकड़े गए थे इनसे जुर्माने के अलावा ट्रेन के पूरे सफर के लिए टिकट की कीमत वसूल की गई। अदायगी ना करने वालों को रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पाकिस्तान रेलवे पुलिस ने 1.5 साल के दौरान 4,384 मुलजमान को कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने पर गिरफ्तार करने का दावा किया और इनके खिलाफ रेलवे की 8 डिवीजनों में 1.5 साल के दौरान 3,803 मुकदमात भी दर्ज किए। उन्होंने कहा कि पेशावर डिवीजन में तकरीबन 688, रावलपिंडी में 584, लाहौर में 1,103, मुगलपुरा में 339 वर्कशॉप्स, मुल्तान में 378, सखर में 238, कराची में 365 और क्वेटा डिवीजन में 78 मुकदमात दर्ज किए गए। मुल्क भर के तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस हेल्प डेस्क कायम कर दिए गए हैं और गुज़श्ता साल के दौरान रेलवे पुलिस की कारकर्दगी काफी तसल्ली बख्श रही। रेलवे पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने कहा कि पुलिस महदूद वसाइल के बावजूद मुस्तैदी से फराइज सर अंजाम दे रही है और आइंदा साल के दौरान रेलवे पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर किया जाएगा।